असलक्रम वरह लि वरकू हेलो माय डियर स्टूडेंट वेलकम टू आवर चैनल अपनी स्कूल डियर स्टूडेंट वी शुड हैव गुड हैबिट्स इन आवर सेल्स प्यारे बच्चों हमें अच्छी आदतें होनी चाहिए फॉर एग्जांपल विदाउट परमिशन वी शुडंट टेक एनीबडीज ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स मिसाल के तौर पर बग़ैर इजाजत के किसी की चीज़ को हाथ ना लगाना वी शुडंट एंटर एनी बडीज़ होम विदाउट टेकिंग परमिशन किसी के घर में बग़ैर इजाजत के दाखिल नहीं होना चाहिए एंड विदाउट परमिशन वी शुडन्ट गो आउट ऑफ होम और बग़ैर इजाजत के घर से बाहर न जाना एक्सेट्रा एक्सेट्रा वगैरह वगैरह इस तरीके की हमें अच्छी आदतें होनी चाहिए और प्यारे बच्चों इजाज़त लेने के लिए हमें दरख्वास्त करना पड़ती है जिसे अंग्रेज़ी में रिक्वेस्ट कहते हैं सो डियर स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट रिक्वेस्ट तो प्यारे बच्चों आज हम रिक्वेस्ट यानी दरख्वास्त के बारे में सीखेंगे सो डियर स्टूडेंट ओपन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक एंड सी ऑन पेज नंबर ट्वेंटी टू थ्री पॉइंट टू रिक्वेस्ट यानी दरख्वास्तें एक्टिविटी नंबर फर्स्ट लेट्स स्पीक चलो बोले या चलो बोलते हैं लुक एट दिस फर्स्ट पिक्चर व्हाट यू सी इन दिस पिक्चर देखो पहली पिक्चर को क्या नजर आ रहा है आपको यहाँ पर व्हाट इज दिस येस दिस इज अलास रूम ये क्या है बच्चों क्लास रूम है एंड हु इज दिस ये कौन है येस दिस इज अ सर दिस इज अ सर एंड हु इज दिस ये दिस इज अ स्टूडेंट ये कौन है बच्चों तालिबा है और ये कौन है सर है अब देखो बच्चों सर कहाँ पर खड़े है हम्म सर कहाँ खड़े है क्लास के अंदर सर इज स्टैंडिंग इन द क्लास रूम सर क्लास के अंदर खड़े है एंड वेर इज द स्टूडेंट इज स्टैंडिंग ये लड़की कहाँ पर खड़ी है तालिबा कहाँ पर खड़ी है यस yes, ये क्लास रूम के बाहर खड़ी है यानी कि बच्चों शी इज स्टैंडिंग आउट ऑफ द क्लास रूम या फिर क्या कहेंगे इससे दरवाजे के बाहर खड़ी है यानी के आउट ऑफ द डोर शी इज स्टैंडिंग आउट ऑफ द डोर यानी के दरवाजे के बाहर खड़ी है सर अंदर खड़े है और ये क्लास रूम के बाहर खड़ी है आप देखो तो ये लड़की क्या कह रही होंगी सर को हम्म देखो यहाँ लिखा है मे आई कम इन सर क्या कह रही है वो सर से में आय कमिंसर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ इस तरीके से क्या ले रही बच्चों दरख्वास्त कर रही है परमिशन के लिए अंदर जाने की इजाज़त के लिए क्या कर रही हो दरख्वास्त कर रही है तो किस तरीके से कहेंगे मे आय कमिनसर अगर हमें अंदर दाखिल होना है क्लास के अंदर तो किस तरीके से परमिशन लेंगे मे आय कमिनसर ओके स्टूडेंट आर यू अंडरस्टैंड येस अब देखेंगे सेकेंड पिक्चर में अब देखो यहाँ पर ये यह सर है और ये स्टूडेंट है देखो तो ये स्टूडेंट सर से क्या कह रहा है एक्सक्यूज़ मी सर प्लीज़ मे आई गो आउट देखो एक्सक्यूज़ मी मतलब क्या एक्सक्यूज़ मी मतलब क्या माफ़ कीजिए सर या फिर मज़रत चाहता हूँ सर प्लीज़ मे आई गो आउट क्या मैं बाहर जा सकता हूँ क्या कह रहा है ये माफ़ कीजिएगा सर क्या मैं बाहर जा सकता हूँ इस तरीके से क्यों कहा उसने एक्सक्यूज़ मी क्योंकि अगर सर कोई काम में बिज़ी रहेंगे तो उन्हें डिस्टर्ब होगा इसलिए पहले क्या करना चाहिए हमें एक्सक्यूज़ मी बोलना चाहिए तो ये बच्चा कह रहा है एक्सक्यूज़ मी सर प्लीज़ मे आई गो आउट क्या मैं बाहर जा सकता हूँ अब देखेंगे थर्ड पिक्चर लेट्स सी थर्ड पिक्चर देखो यहाँ पर दो स्टूडेंट दिखाए हैं देखो इसका नाम है अनुजा और इसका नाम है अर्नो यहाँ पर हमें नीचे लिखा हुआ है देखो अनुजा और अर्नो तो यह है अर्नो और यह है अनुजा अब देखो दोनों में क्या बातचीत हो रही है प्लीज़ ग्यूमी अ पेंसिल देखो परमिशन अगर हमें लेना है तो किस तरीके से कहेंगे प्लीज़ गिव मी अ पेंसिल हमें किसी से तो कोई चीज़ लेने के लिए दरख्वास्त करना है उसे अब देखो पेंसिल लेनी है तो किस तरीके से कहेंगे प्लीज़ गिव मी अ पेंसिल बराए मेहरबानी मुझे पेंसिल दीजिए अब अगर इरेजर लेना है तो फिर किस तरीके से पूछेंगे प्लीज़ ग्यूमी एंड इरेजर प्लीज़ मुझे बराए महरबानी मुझे इरेजर दीजिए अगर फुटपट्टी रूलर लेना है तो फिर किस तरीके से पूछेंगे प्लीज़ ग्यूमी अ रूलर प्लीज़ बराए महरबानी मुझे रूलर दीजिए या फुटपट्टी दीजिए इस तरीके से हम क्या कर सकते बच्चों कोई चीज़ लेने के लिए किसी से दरख्वास्त कर सकते हैं हम देखो बच्चों यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा है एक्टिविटी नंबर सेकंड लिसन एंड रिपीट सुनो और दोहराओ देखो यहाँ पर अनुजा और अर्नव के दरमियान क्या है बच्चों बातचीत चल रही है देखो अनुजा क्या कह रही है देखो यह है अनुजा और यह है अर्नव तो अनुजा देखो क्या कह रही है अर्नव से एक्सक्यूज मी यानी क्या बच्चों माफ़ कीजिएगा या फिर मोहरत चाहती हूँ अर्नव कहता है यस yes, क्या है बोलो अनुजा कहती है प्लीज़ गिव मी यूर बोग देखो अनुजा क्या मांग रही है उससे प्लीज़ गिव मी यूर वो बराए मेहरबानी मुझे तुम्हारी किताब दीजिए तो अर्नव क्या कहता है यर इट इज ये लीजिए अनुजा कहती है थैंक यू यानी शुक्रिया फिर अर्नव कहता है वेलकम इस्तकबाल है इट्स माय प्लेजर इसमें मेरी खुशी है प्लेजर यानी क्या खुशी इस तरीके से बच्चों दरख्वास्त के लिए रिक्वेस्ट के लिए हमें इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है जैसे कि यहाँ पर मे आई इन एक्सक्यूज़ मी और फिर प्लीज़ इन लफ्ज़ों का क्या करना पड़ता है बच्चों इस्तेमाल करना पड़ता है ओके स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रिक्वेस्ट एंड वीच वर्ड्स वी यूज़ फॉर रिक्वेस्ट अच्छा बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको रिक्वेस्ट यानी क्या और इसके लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ये समझ आ गया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे आज के लिए इतना ही वी विल मीट अगेन सोन हम जल्द ही मिलेंगे दोबारा टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर